हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जो है इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर। टॉप 5 क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में पूछे जाने वाले रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है लेकर आई हूँ आपको आपके लिए, ठीक है। तो इसको जो है कैसे आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट के एग्जाम में, ये मैं बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो सिर्फ जो है लास्ट एक वीक बचा हुआ है एग्जाम को, ठीक है। 29 तारीख को एग्जाम है, तो इन दिनों में जो है जितना भी आपको प्रैक्टिस करना है, तैयारी करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा के नाम पर जो है प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो आज का जो क्लास है वो प्रैक्टिस सेट 19 है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर आप प्लेलिस्ट में जरूर देख लें। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? तो इस टाइप का श्रृंखला दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा जो श्रृंखला दिया जाता है फ्रेंड, तो इसको जो है पहले भी मैंने बताया था कि इसको जैसे कि ऐसे नंबर मिला जाता है, श्रृंखला दिया जाता है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है नंबर को कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। यानी कि नंबर घट रहा है या बढ़ रहा है, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, और ये क्या किया गया है कि आगे वाले संख्या आया है और अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। ये हमको देखना है ताकि जो है सामने वाला जो ब्लैंक है या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा क्या संख्या जो है ज्ञात कर पाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये मैं बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। इसमें जो है आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ठीक, कैसे, देखिए इसमें क्या किया गया है, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि देखो 2 में यानी कि 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। 4 2 6, और 6 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। अगर 10 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। 16 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26 होगा। अगर 26 में हम 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 42 होगा, ठीक है। कितना होगा, 42 होगा। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है यानी कि 42 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको इजी तरीके से, ठीक है। दोनों तरीके से आप करेंगे तो जो है आपको आपका राइट आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि 4 और 6 है, तो 4 और 6 के अगर आप प्लस करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 10 मिलेगा, ठीक है। 4 और 6 को आप प्लस करते हैं तो 10 होगा, और 6 और 10 को अगर आप प्लस करते हैं तो कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। 16 और 10 को आप प्लस करते हैं तो 26 होगा, और 26 और 16 को अगर आप प्लस करते हैं तो क्या मिलेगा, 46 मिलेगा, सॉरी 42 मिलेगा, ठीक है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे और क्वेश्चन समझ आए, क्वेश्चन अच्छा लगे तो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि आपको जो क्वेश्चन के मतलब सॉल्यूशंस हैं वो समझ आ रहे हैं आपको, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है ये समझ आ रहा है आपको, तो इसलिए जो है आप लाइक कर दें ताकि हमको पता चले और हमें जो है हम आगे इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन जो है आपको लिए जो है लाते रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो इसमें जो है इस तरीके का आइकन दिया हुआ है, तो इसमें जो है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सी संख्या आएगी हमें ज्ञात करना है। तो ये संख्या जो है 16 और 7 को क्या किया गया है जो 207 आया है, क्या हम गुणा करने के बाद 207 आ सकता है, क्या गुणा करने के बाद 207 आ सकता है, ये हमको देखना है, ठीक है। क्या आप अभी गुणा करके देखे, क्या 207 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। 112 आ रहा है, अगर हम प्लस भी करते हैं तो भी नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है फ्रेंड, जैसे कि 16 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 256 आएगा, ठीक है। कितना आएगा,
256 आएगा। उसी प्रकार हम 7 का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो साथ ही साथ ही 49 आएगा, ठीक है, ठीक है, 49 हुआ तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, 49 को हम क्या करेंगे, 216 से, 256 से जो है हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हम क्या करेंगे, 9 को हम क्या करेंगे, 6 से घटाएंगे, 6 से 9 जो है यानी कि नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, 5 से हम एक हासिल लेंगे, तो 16, अगर 16 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा 7 बचेगा, ठीक है, 7 बचेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 में 4 गया कितना बचा, 0, और 2 का 2 उतार देंगे तो कितना हुआ, 207। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने अभी सॉल्व किया है, ठीक उसी प्रकार जो है इसका भी सॉल्व करना है, तब हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आप जो है इसका सॉल्व करके, पॉज करके जो है सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने सॉल्व किया, ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से बता रही हूँ। देखो क्या किया गया है इसमें, 16 का जो है स्क्वायर किया गया है और 7 का भी स्क्वायर किया गया है। उसके बाद जो है 7 का जो स्क्वायर है 16 से, 16 के स्क्वायर से घटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग को ये आंसर मिला है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम 25 का स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो हम क्या, हमें क्या मिलेगा, 625 मिलेगा। छः सौ पच्चीस मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 21 का भी स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 441 मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है, 5 में 1 गया कितना बचा, 4 बचा, ठीक उसी प्रकार 4 को हम 2 से नहीं घटा सकते, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 से 1 हासिल लेंगे, ठीक है, तो 12 से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है, और अगर हम 5 से यानी कि 1 हम हासिल दे दिए 2 को, ठीक है, तो कितना बचा, 5 बचा, 5 से हम जो है 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 144 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में दिख रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा नंबर आएगा, 144 आएगा, ठीक है। आशा करती हूँ ये भी क्वेश्चन जो है आसानी से आपको सॉल्व हुआ होगा, आसानी से समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, लाइक कर दे वीडियो को और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है, जो परीक्षा की एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और लाइक कर दे बटन यानी कि वीडियोस को जो है लाइक कर दे अगर आपको समझ आ रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि किसी भाषा में SCREEM को SSERME के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, यानी कि डी कोडिंग, कोडिंग डी कोडिंग का जो है क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में, तो DINING को जो है उस कोड में कैसे लिखा जाएगा, ये जो है हमको ज्ञात करना है, यानी कि इसको जो है कैसे लिखा गया है। देखिए इसमें क्या करा गया है, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको जो क्या करना है, लेटर्स को अच्छे से देखना है, अरेंजमेंट कैसा है इसको हमको देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है फ्रेंड, जैसे कि SC है, ठीक है, इसमें भी CS है और इसमें भी R है, इसमें भी R है, EE इसमें भी EE है और M भी है, इसमें भी M है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है फ्रेंड, देखिए तो SC लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, पलट दिया गया है, ठीक है, यानी कि अदला बदली कर दिया गया है, CS लिखा गया है, यानी कि और RE को जो है ER लिखा गया है और EM को क्या करा गया है, ME लिखा गया है, ठीक है, यानी कि अदला बदली किया गया है। ठीक उसी प्रकार हमको क्या करना है, DINING को जो है हमको लिखना है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि DI यानी कि ID, ठीक है, ID और NI का IN,
IN, और NG का GN, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसा लिखा लेटर्स कहाँ पे दिख रहा है आपको, ID, IN, GN, ये जो है ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर समझ आ गया तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इजी है, लेकिन ये जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बॉक्स क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, बार बार बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद रिक्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे। तो इसमें जो है नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बार बार मैं बोलती हूँ कि नंबर तो जो है अच्छे से देखिएगा, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है, इससे हमें जो है ज्ञात होता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे या खाली स्थान पे कौन सा नंबर है, ठीक है। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, देखिए 78 के बाद 46 कैसे आया, और 46 के बाद 30 कैसे आया, 30 के बाद जो है 30 के बाद 22 कैसे आया है, ये हमें जो है पहले हमको देखना है, तभी हम जो है खाली स्थान यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नंबर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या गया है फ्रेंड, जैसे कि देखिए, अगर आप क्या करेंगे 78 को, यानी कि 78 से जो है 46 को अगर आप घटाते हैं तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा, 32 बचेगा, ठीक है 32 बचेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम इसका आधा, 32 का आधा, ठीक है 32 का आधा हम घटाते हैं 46 से, यानी कि 16 हम घटाते हैं, ठीक है 16 अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। और उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 16 का आधा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है 8 अगर हम घटाएं 28 से, सॉरी 30 से अगर हम 8 अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। अगर 8 का आधा क्या हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। अगर हम 22 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। और 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है, ठीक है 2 होता है। तो 18 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 घटेगा। 2 का आधा क्या होता है, 2 का आधा क्या होता है, 1 होता है। तो 16 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 15 नंबर आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे कि 32 का आधा घटा दिया गया, ठीक है 16, 46 से 16 घटा गया, घटा दिया तो 30 आया। तो 16 का आधा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 30 से जो है 8 घटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, 8 का आधा क्या होता है, 4 होता है, तो 22 से जो है 4 घटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, 18 से क्या किया गया, 4 का आधा घटा दिया गया, यानी कि 2 घटा दिया गया, याद रखना, ठीक है। उसके बाद 2 का आधा क्या होता है, 1 होता है, तो 16 से जो है 1 घटा दिया गया, तो कितना बचा अपना, 15 बचा। तो 15 ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, ठीक है 15 ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी जो है आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी समझ आ गया तो वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो है हल कराते रहती हूँ मैं, ठीक है। तो जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अगर ये क्वेश्चन भी समझ आ गया तो, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इससे हमें पता चलेगा कि आपको हाँ पसंद आ रहा है और समझ भी आ रहा है, ठीक है। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्य समाज शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सही संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो है आरेख वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या बताना है, समाज, ठीक है, समाज शिक्षक और विद्यार्थी को जो है सही संबंध में दर्शाना है। ठीक है, देखिए समाज, ठीक है, समाज में हम सभी आते हैं, ठीक है, समाज में हम सभी आते हैं, यानी कि कम्युनिटी में जो है हम सभी आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या गया है फ्रेंड, जैसे कि आप जो है आपको समझना है, ठीक है, आपको समझना है, ये जो है ये क्या है, समाज के अंदर हम सब आते हैं, चाहे वो शिक्षक हो या फिर कलेक्टिव हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर जो कि किसी भी पद में हो, ठीक है, किसी भी पद में हो, ठीक है, तो वो जो क्या होगा, समाज के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये समाज है, समाज के अंदर शिक्षक भी आएंगे और प्लस विद्यार्थी भी आएंगे। ठीक है, यानी कि देखो बराबर है, समाज भी आएंगे और विद्यार्थी भी आएंगे। ठीक है, समाज भी आएंगे और विद्यार्थी भी आएंगे, ये गोला है समाज का। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये गोला है समाज का, इसमें जो है विद्यार्थी भी आएगा और अपना शिक्षक भी आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन के साथ।